ओम शांति। आज हम बच्चों प्रति परमात्मा का दिव्य वरदान है, बच्चे स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिलवाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिलवाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिलवाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कितना भी कोई दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वो पदम हो जाता है। परमात्मा अपने बच्चों को सहज योगी बनने की बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। सहयोगी बनते रहो, और सहयोग भी लेकिन सच्चे स्नेह का, बड़े सच्चे दिल का चाहिए। कई बच्चे थोड़ा करते हैं लेकिन उसमें स्नेह अगर नहीं है तो जमा नहीं होता, और सच्चे स्नेह से अगर थोड़ा भी कुछ करते हैं तो बहुत हो जाता है। इसलिए यज्ञ स्नेही बनना और यज्ञ में स्नेह से सहयोग देना, यही सहज योगी बनने की विधि है। बहुत सुंदर दृष्टांत परमात्मा ने दिया कि बच्चे जैसे देखो गायन है। शास्त्रों में भी कहते हैं कि भगवान को सुदामा के कच्चे चावल बहुत प्रिय थे। कच्चे चावल खा करके उस गरीब को बहुत महल दे दिए। परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे कोई भी चीज़ की वैल्यू तब है जब उसमें स्नेह है। अगर स्नेह नहीं है तो कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हम किसी को गिफ्ट दें तो भी उसका जमा खा खाता नहीं बनता, क्योंकि वैल्यू चीज़ की नहीं है, वैल्यू स्नेह की है। तो अगर हम परमात्मा के कार्य में बहुत सच्चे दिल से, बहुत स्नेह से कुछ भी करते हैं, छोटा भी करते हैं, तो उसका कई गुना होकर के हमें रिटर्न प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को सहज योगी बनने की ये बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि बच्चे स्नेह से सहयोगी बनो, और सहयोगी बनने से आप सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। ओम शांति। सफलता का वरदान।